से माशाल्लाह। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो और अभी बज रहे हैं 9:30। वैसे मैं 9 बजे से ही उठ गई थी। 9 बजे उठ के मैंने नाश्ता वगैरह भी रेडी कर दी हूँ, मतलब सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट मेरा, और ये नहा के रेडी भी हो चुके हैं। बस अब मेरा काम रह गया है ब्रश वगैरह करना, क्योंकि मैं है ना ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में ब्रश वगैरह करती हूँ। तो सब कुछ हो चुका है, अभी चलते हैं, पहले ब्रश वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो पर्दे वर्दे खोल दिए, चाय, विंडोज़ वगैरह। कितनी मज़े की हवा, इतनी ठंडी हवा आ रही है माशाल्लाह, मतलब विंडो खुलते ही। तो देखो गाइस, इतनी अच्छी हवा में मतलब ऐसा लगता है फिर बस यहीं खड़े रह जाए, यहाँ से जाए ना, लेकिन क्या करें, अभी काम भी है, सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन ये हवा भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पर, मॉर्निंग की बहुत अच्छी हवा आती है, बट दोपहर के बाद में ना थोड़ा सा फिर यहाँ पर गर्मी शुरू होने लगती है। मैं आप लोगों को यहाँ का दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ से हवा डायरेक्ट कैसे आती है। तो गाइज़ ये देखो, मेरी बिल्डिंग जो है ना वो मतलब लास्ट कोने की तरफ में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जंगल है, और इसके जस्ट लास्ट में जहाँ पे आपको आसमान जैसा दिख रहा होगा ना, वहाँ पर पूरा बीच है, तीथल बीच। बीच के वजह से है ना, जो बीच है वहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर इतनी हवा चलती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलती है, बहुत ठंडी। चलते हैं फटाफट, कर लेते हैं ब्रश, और इसके बाद में फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या है। तो फेस वॉश हो चुका है, और अभी मैं यूज़ करूँगी ये टोनर, ये है द मॉम्स कोका, और इसके प्रोडक्ट अच्छा मैं यूज़ कर रही हूँ ना अभी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है इसका फेस वॉश, और ये टोनर हो गया, इसका मॉइस्चराइज़र भी है, बट अभी मैं सिर्फ इसका फेस वॉश और टोनर ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम तो चलते हैं, फटाफट नाश्ता करते हैं, और उसके बाद है मुझे बहुत सारा काम। तो काम हम करने के बाद में फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज़, फाइनली अब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैंने वेयर किया है ये वाला सूट। भी जो है बज चुके हैं, वैसे 4 बज चुके हैं, मेरे को काम करते हुए लेट हो गया था, और उसके बाद में काम करने के बाद है ना थोड़ी सी थकन भी हो गई थी, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैंने आराम करी, रेस्ट करने के बाद फिर मैं नहाई हूँ, इस वजह से मुझे इतना टाइम हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ, कुछ हम लोग नाश्ता करेंगे, और उसके बाद सोच रही हूँ फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा, तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं हम लोग आपसे आगे। रेडी हो चुकी है हमारी साबूदाने की खीर, तो चलिए इंजॉय करते हैं। तो गाइज़, अभी हो चुका है मेरा नाश्ता। नाश्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने बनाई खाली थोड़ा सा साबूदाने की खीर, और अकेले इंसान के लिए इतना बोर हो जाता ना बनाना, मतलब कुछ भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बना ली थी, मन नहीं था बट मैंने भिगा दी थी इसलिए कि मुझे बनाना पड़े, क्योंकि मैं मन की वजह से ना फिर बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देती हूँ खाने पीने की, इस वजह से मैंने उसको भिगा के ही रख दी थी। गाइज़, अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे मेरे बिल्डिंग के, और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह से, तो थोड़ा सा हवा लेके और उसके बाद मैं थोड़ा देखती हूँ कुछ सब्ज़ी लेनी है। तो नीचे मेरी बिल्डिंग के नीचे ही फ्लोर पर एक जन जो है वो सब्ज़ी वगैरह बेचती है, तो उसे सब्ज़ी लेते हुए फिर मैं ऊपर जाने वाली हूँ। और मैंने सोची थी कि एक राउंड लगा लूँगी थोड़ा गार्डन में, बट अभी मेरा मन नहीं हो रहा, हवा यहाँ पर अच्छी चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यहीं पर बैठ लेती हूँ, और उसके बाद में फिर देखते हैं अगर राउंड लगाना हुआ तो। तो गाइज, अभी मैं आई हूँ घर पे, और अभी बज चुके हैं 8,
बिल्डिंग के कुछ लोग नीचे आ गए थे, तो बैठ बैठ के बातें करने में इतना टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं और अभी बस ये भी आते ही होंगे, तो अब मुझे बनाना है फटाफट से खाना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अभी है ना फटाफट से बनने वाला कढ़ी बना दूँगी, दही कढ़ी मतलब येलो वाली कढ़ी, और उसके साथ मैं राइस रख देती हूँ। तो चलो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं काम। तो गाइस कढ़ी मैंने यहाँ बनने के लिए रख दी हूँ। अच्छा मैं प्रोसेस बताना मतलब बोलना भूल गई थी। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाली 2 चम्मच, और उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ने डाले मेथी दाना उसका बघार करके, फिर उसके अंदर डाले 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर हमारा जो दही और बेसन का जो बैटर है उसे हमने इसमें ऐड कर दिया, और पानी अपने अकॉर्डिंग जितनी हमें कढ़ी चाहिए। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, वैसे हमेशा इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, एक और एक तरीका सा है जो मैंने रेसिपी शेयर भी कर रखी हूँ मेरे चैनल पर। मैं ज़्यादा उस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो कुछ चेंज बनता है, कुछ अलग बनता है, क्योंकि मैंने भी ना ये वाली रेसिपी जो है किसी के पास ट्राई की थी, ये अभी आप देख सकते हैं बन रहा है, तो किसी के घर मैंने खाई थी, तो मुझे वहाँ पर ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी, तो तब से मैं ये इस तरीके से बना रही हूँ, और मुझे तो अच्छा लगा था वैसे खाने में, तो आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो कढ़ी हमारी यहाँ पर पक रही है, तो अभी हम लोग कर लेते हैं भजिए का बैटर की तैयारी। बेसन का भजिया सिर्फ बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं, तो फटाफट से चले देखते हैं। तो कढ़ी तो हमारी पक चुकी है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया डन, अब हम लोग बना लेते हैं भजिए। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए से माशाल्लाह इतनी खुशबू और इतनी टेस्टी बनी है ना, आप लोग भी इस तरीके से एक बार बना के देखना, मज़ा आ जाएगा। गाइस खाना तो हो चुका है रेडी, और अभी तक ये आए नहीं है, 8:30 बज चुके हैं, और अभी नीचे जो मैंने आप लोगों को कल पहले वीडियो में बताई थी कि नीचे एक फंक्शन है शादी का, तो अभी उसमें गरबा चालू हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस अभी बन चुका है कढ़ी फुल्की, और ये देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, चलिए देखते हैं फिर कैसा होगा। ओहो हो, तड़का वड़का मार दिया क्या, यम्मी यम्मी। बस तो गाइस ये आ चुका है, वाओ। तो गाइस अब लेते हैं इनसे रिव्यू कि कैसी बनी है कढ़ी, ये देखो। पहले मतलब मिर्ची क्यों खा रहे हो, बहुत मस्त है। तो ये है हमारे कढ़ी राइस, एक नंबर लग रहा है। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नीचे गाइस गरबा चल रहा है ना, तो इसलिए नाच रहे, गरबा आता तो है नहीं, अभी नीचे ले जाके छोड़ दूंगी ना इनको, सारी भीड़ गायब हो जाएगी, सब भाग जाएंगे वहां से, है ना। चलो अभी खा लेते हम लोग आराम से, फिर मिलते हैं आपसे।
गाइस ये खा के आई है अभी आइसक्रीम बराबर वहाँ पे तो खा के आई है और लेके भी आई है। तो ये है जनता का मिक्स आइसक्रीम, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी, यम्मी। तो पेट नहीं भरा वहाँ पे तेरा? नहीं भरा, ठीक है। बस बस थोड़ा मेरे लिए छोड़ दे, छोड़ दूंगी। तुमको चाहिए था तो ले नहीं सकते थे क्या अपने लिए? तो इसमें से दे देना और मुझे बोल के खुद खदड़े खा रहे बराबर हैं? और मेरे मुंह में पूरा पान वाला आया, पान पूरा उसका टुकड़ा आया। नीचे मैंगो भी है, मेरे मुंह में ज्यादा ही पान आ गया। मैंगो है नीचे, नीचे मैंगो है। तो मैंगो हो चुका दूध गरम, बज के 11, चलते हैं इनको दूध देते। अच्छा इनको देख, और आसमान पे चढ़ के नहीं बैठ सकते थे तुम? मस्त हवा रही है, मतलब ये हवा खाने के लिए बताओ गाइस। ये देखो ये कितना अच्छे से मतलब चेयर बनाए पिलो का। बाहर शांत हो गया ना, इन लोगों का डीजे बंद हो गया, पब्लिक है अभी भी, है ना? क्या खाना हो रहा है क्या, है ना? है? खाना चल रहा है क्या अभी? खाना ऑलमोस्ट हो गया मेरे पास, है पता नहीं। और तुम दो सीट किसके लिए बना के रखे हो? ये मेरे लिए मैं हाँ तो गरम तो दी हूँ, अभी तुम गरम पियो ना तो ये तो गले में लगेगा थोड़ा। वो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गरम है वहाँ रख दो ना, उस पर रख दो, नहीं गिर जाएगा। तुम यहाँ से पकड़ो मेरे को दो, ठंडा होगा। इसमें इलायची भी अंदर ही डाल दी मैंने, है ना? हाँ। तो गाइस इतना खाने के बाद इनका मुंह बंद नहीं है और ये चना लेके बैठे, चना खा रहे, डब्बा लेके बैठे चने का। तो चले फिर गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए तो हमें याद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।